नमस्कार दोस्तों, जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न इंटर्नशिप के पदों पर भर्ती निकले है, जिसमें आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। आवेदन बिल्कुल ऑनलाइन रहेगा, जो कि आप खुद से कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि आप सभी को संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जनजाति कार्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना है। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रदान करेंगे, हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन आवेदन के लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, जहां से आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस शो होने के लिए मिल जाएगा। कुल यहाँ पर 26 अनुबंध किए जा रहे हैं, यानी 26 अलग अलग पदों पर भर्ती यहाँ पर निकाली जा रही है, ठीक है। चौकीदार शासकीय महाविद्यालय खगनार जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश में नौकरी का प्रकार अनुबंध, स्वीपर शासकीय महाविद्यालय खगनार जिला बुरहानपुर नौकरी प्रबंधक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जॉब कुरियरशिप शिक्षक सहायक मालवीय जिला श्योपुर में है, निज सचिव निज जल निगम मर्यादित वाहन चालक जल निगम, सहायक ग्रेड थ्री जल निगम, उपप्रबंधक तकनीकी जल निगम, प्रबंधक तकनीकी जल निगम। इस प्रकार से विभिन्न पदों पर इसमें भर्ती निकली है। टोटल 26 यहां पर जो पद हैं, वो अलग अलग विभाग में अलग अलग लेवल पर हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर का देख सकते हैं जल निगम में निकली है, प्रबंधक का देख सकते हैं जन सहभागिता में निकली, उपप्रबंधक तकनीकी जल निगम मर्यादित। तो कुछ इस प्रकार से 26 जो आपको पद देखने को मिल जाए यहाँ पर, आपको 26 आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें आवेदन किस प्रकार से करना है, जैसे कि आपको कंप्यूटर ऑपरेटर वाले पे आवेदन करना है, कुछ भी आवेदन करना है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर पे, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर जल निगम मर्यादित पोस्ट ऑन 10/8/2024 को, यानी लेटेस्ट में आज ये भर्ती निकली है, तो उसकी जानकारी आज आपको देने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। चलिए हम इसका हिंदी ट्रांसलेट कर लेते हैं, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर हमने हिंदी ट्रांसलेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे बारे में क्या है, मध्य प्रदेश का उद्यमिता विकास केंद्र जिसे विश्व स्तर पर CEDMAP के नाम से जाना जाता है, पिछले 3 दशकों से लगातार और विश्वसनीय रूप से काम कर रहा है। इस संगठन ने एक मेहनती और महत्वपूर्ण सहायक के रूप में कौशल विकास उत्तीर्ण है। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता क्या है, शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय से सेवानिवृत्त हो। अगर आप कोई शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय से सेवानिवृत्त हो तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। नौकरी का विवरण क्या है, जॉब टाइटल कंप्यूटर ऑपरेटर जल निगम मर्यादित, क्वालिफिकेशन आपको हमने बताई दी है, समाचार पत्रों का हिंदी अंग्रेजी भाषा में टंकन करना, पत्रकारों के फोल्डर को कंप्यूटर पर सुरक्षित रखना, अभिलेखों का संसाधन पावर पॉइंट प्रोजेक्ट तथा एक्सेल का डाटा संसाधन करना, लोकेशन मुख्यालय, सैलरी अंतिम वेतन का 50%, जो आपको वेतन दिया जाता है उसका 50% यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी। एंड यहाँ पर वेतन 15 आपके 25 पदों की संख्या, 1 है खुलने की तारीख, 10 नौकरी का प्रकार है अनुबंध, आपको मतलब मिल गया। अगर आपको आवेदन करना है तो मेरी दिलचस्पी है, अगर आपके पास इंग्लिश में आ रहा है तो आपको लिखेगा I am interested, तो यहाँ पर I am interested पे आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपको जो है वो अपलोड योर रिज्यूम इन सेकेंड विथ द ऑटोफिल ऑप्शन, अगर आपके पास रिज्यूम है तो यहाँ पर आपको रिज्यूम अपलोड करना है, अगर नहीं है तो आप बना लीजिए। एंड यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी जो भरना है, आपको नाम डाल देना है, अगर आप बॉयज हो तो बॉयज, मिस्टर हो तो मिस्टर, आप मैसेज जो भी डालना चाहते थे, ठीक है, जिस प्रकार लास्ट नेम डाल देना है, कॉन्टेक्ट नंबर डाल देना, ईमेल आईडी डाल देना है, एंड यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है, करंट लोकेशन डाल देना है, प्रोफेशनल लोकेशन डाल देना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको डालना है, स्किल आपकी जो स्किल है वो आपको डाल देना है, ठीक है, प्रोफेशनल डिटेल्स डाल देना है आपको, जैसे कि टोटल एक्सपीरियंस इन ईयर, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद यहाँ पर आपको करेंट सैलरी, आपको सैलरी कितनी दी जाती है, एक पे सैलरी यानी कितनी मिल सकती है आपको, नोटिस प्रिपेड हाउ सोन यू कैन ज्वाइन इन द डे, आप कितने दिनों तक, आपने कितने दिनों तक वहां पर काम किया है, कुछ इस प्रकार से आपको जानकारी भरना है। अगली जानकारी फिर शुरू करना, ब्राउज कर लेना इसको, तो वो जानकारी आपकी जो है वो PDF आपको अपलोड कर देना है, ठीक है, एफसीआई फिल करना है, आवेदन को जमा कर देना है। इसके बाद आपको कुछ अलग से आपको जो आवेदन नंबर मिल जाएगा, एंड यहाँ पर आपको आवेदन जो सफलतापूर्वक हो जाएगा, एंड अगर आपका नंबर लगता है तो आपके मोबाइल पर मैसेज कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें जो आपको पूरी पोस्ट दिख रही है, इसमें से आप कोई सी पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं।
टोटल 26 अनुबंध यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए हैं। इनमें से आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दीजिए। एंड आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर भी आप अप्लाई कर लीजिए, अपने लक को जरूर ट्राई करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपसे जल्द मिलेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लेना। धन्यवाद।